Here is the price list. So stay tuned. And as always, इस वीडियो में मेरी हेल्प करेंगे साहिल सर, the man, the legend himself. Let's begin with the Triumph Trident 660. सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये बाइक किस बंदे को लेनी चाहिए? Who is the perfect buyer for this bike? जो भी चलाना चाह रहा है उसको दो benefits मिल जाते हैं. एक तो उसको sporty feel मिल जाता है because engine की linear power इतनी अच्छी है. ऊपर से इसकी जो riding position है वो बहुत ज़्यादा comfortable है. आप इस बाइक से touring भी कर सकते हैं. अच्छी खासी power है. मतलब किसी ने अगर start करनी है motorcycling, हाँ जी, उसके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है. Triumph की इंडिया में जितनी भी आती हैं motorcycles, उसकी ये start of the lineup मैं कहूँगा. Triumph में दो technology आती हैं. एक आती है ट्रिपल, एक आती है inline 2. तो ये ट्रिपल टेक्नोलॉजी वाला डीएनए वाला ही इंजन है जो कि आज की डेट में यूरोपियन मार्केट में 660 ट्रिपल के नाम से जो गाड़ी है वो आती है. लेकिन इंडिया में वही सेम इंजन ट्राइडेंट में दे दिया इन्होंने. इसमें 81 PS और 64 न्यूटन मीटर की टॉर्क, अच्छी खासी पावर दी हुई है इसमें. बाकी एड ऑन फीचर्स की अगर बात करें, ऑफ कोर्स ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, राइड बाय वायर, लिक्विड कूल्ड इंजन, ये तो आपको हर ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल में, एक ट्राइडेंट से लेकर एक रॉकेट और टाइगर 1200, सब में ही आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं. कितनी माइलेज एक्सपेक्ट कर सकता है जो भी बायर होगा या कस्टमर? देखिए, माइलेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, जब हम सुपर बाइक्स की बात करते हैं, हाँ जी, तो माइलेज एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती. मतलब 15 से 20 के बीच में इसकी आराम से आपको एवरेज मिल जाएगी. एंड नाउ सर, इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसेस की डिटेल्स दे दीजिए. देखिए सर, इसमें वेरिएंट तो एक ही आता है, पर इसमें शानदार चार कलर ऑप्शन आते हैं आपको. ये वाला कलर जो है सिग्नेचर कलर, ये है सिल्वर आइस और डायब्लो रेड, तो ये डुअल कलर टोन में आ जाता है. ऐसा ही इसमें एक और कलर आता है मैट ब्लैक, मैट जेट ब्लैक और सिल्वर आइस, वो भी डुअल टोन कलर हैं, जिसमें शानदार ट्रायम्फ ने अपनी पूरी, कहते हैं ना, एम्ब्लेम टैंक के ऊपर इन्होंने बैजिंग कर रखी है. प्राइसिंग सर इसकी देखिए स्टार्ट हो जाता है 745,000 एक्स शोरूम. और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कलर ऑप्शंस, जो इसमें सिंगल टोन कलर आता है, जैसे कि इसमें सफायर ब्लैक आता है, उसका 745 है. और अगर डुअल टोन कलर में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 758 का इसका एक शोरूम है. 13,000 रुपए का डिफरेंस है. ये हर मॉडल में ऐसा ही है, कलर के हिसाब से प्राइस वेरिएंट. अच्छा गाइस, मेक श्योर कि ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखें, क्योंकि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. आप लोग मुझे एंड में जाके ये बताओगे कि इन सब बाइक्स में से आपको सबसे ज्यादा मजेदार बाइक कौन सी लगी. एंड इन फ्यूचर अगर आप कभी इतने कैपेबल बन जाओगे कि आप ट्रायम्फ की कोई बाइक खरीद सको, तो वो कौन सी होगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मैं कमेंट सेक्शन में ही शेयर करूंगा. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइगर 660. एंड मीनवाइल स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी हम आप लोगों को ये भी डिटेल्स देंगे कि अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप इन बाइक्स को कैसे परचेज कर सकते हो, आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी. टाइगर स्पोर्ट 660 इसको हम कहते हैं. इसमें आपको पूरा का पूरा कंफर्ट, लॉन्ग राइड्स के लिए, आपको टूरिंग के लिए, आपको पूरे की पूरी प्रैक्टिकलिटी और कैपेबिलिटी इस बाइक में मिलती है. इसका और ट्राइडेंट का बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशंस हैं, सेम इंजन के साथ. इसमें वही इनलाइन 3 पावर, इनलाइन 3 लीनियर पावर, 81 PS, 64 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, अच्छी खासी पावर है. राइडर कम पिलियन दोनों के लिए ही बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है. आप एक दिन में 500 से 600 किलोमीटर की राइड भी आराम से बिना थके इस पे कर सकते हो. एक्सेसरीज में क्विक शिफ्टर की ऑप्शन मिल जाती है, साइड पैनियर्स साथ में टॉप बॉक्स भी प्रोवाइड हो जाता है. और उससे एक और बेनिफिट होता है, जो आपका पिलियन राइडर है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज पिलियन राइडर के लिए टॉप बॉक्स लगाने से आपको एक एक्स्ट्रा कुशनिंग मिल जाती है उसमें, जो इंस्टॉल होती है अलग से एक्सेसरी है वो. जब हमने लोगों ने राइड करी और हमारे कस्टमर्स ने राइड करी तो उनका यही कहना है कि ये कॉर्नरिंग्स पे काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है. जैसे मतलब कि अगर हम इस बाइक से मसूरी जाएंगे तो वी आर गोइंग टू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करेंगे राइड को. इसका प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव है, ये 10.5 लाख रुपए के करीब में आपको ऑन रोड दिल्ली और गुड़गांव में पड़ती है. हमारे पास में इजी फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं थ्रू IDFC एंड HDFC, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बेहतरीन EMI में आप ये बाइक ओन कर सकते हैं. 9999 की स्कीम हमने चला रखी है, जिसकी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. लिंक और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड नाउ द लेजेंडरी 1200cc पैरेलल ट्विन बोनविल स्पीड मास्टर. सर प्लीज एक्सप्लेन कि क्या है इस इंजन की स्पेशलिटी. इसका जो स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें नंबर्स की, तो ये 79 bhp हॉर्स पावर के साथ 103 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है, जो कि काफी अच्छी पावर. एंड ऑब्वियसली उसके चलते इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी वो थोड़ी कम. फ्यूल एफिशिएंसी अगर इसकी बात करें तो 12 से 15 के बीच में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आराम से मोर देन सफिशिएंट. बेसिकली इसमें क्या है, इन्होंने ये एक क्रूजर मोटरसाइकिल है. जिस पर्पस क्या है, जब आप क्रूजर की बात करें तो क्रूजर एक ऐसा मोटरसाइकिल है, हाईवे पे चल रहे हैं, एक लेड बैक एटीट्यूड के साथ आप उस पर बैठते हैं. एंड यहाँ आपको पीछे बैक सपोर्ट भी मिल जाता है.
इसमें बैक सपोर्ट, इसमें बैक सीट जो आती है काफी कंफर्टेबल सीट है। इन्होंने अभी रिसेंटली ये चेंज किया है सीट, और जो नया बोनविल सीरीज आया है 21 में जो नया अपडेट होके आया है उसमें इन्होंने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं। जैसे कि पहले वाली जो स्पीड मास्टर आती थी और जो भी बोनविल बॉबर आती थी या फिर T120 आती थी उनमें इन्होंने ब्रेकिंग जो थी वो निसिन के कैलिपर्स आते थे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मेरी मोस्टली 90% ऑफ माय फ्लीट उसमें ब्रेम्बो की ब्रेक्स आती, तो इन्होंने इसमें भी डबल डिस्क ब्रेम्बो की ही ब्रेक्स दी हैं। इस मोटरसाइकिल की बात करें तो इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल तक मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इग्निशन स्विच, यहाँ से आप अपनी बाइक को ऑन और ऑफ कर सकते हो। हैंडल बार लॉक करना है तो जस्ट लाइक जैसा क्लासिकल क्रूजर्स में होता है आपको यहाँ पे लॉक मिलेगा। बाइक काफी हैवी है, क्रोम पार्ट्स इतने ज्यादा लगे हुए हैं और इसमें इतने सारा फीचर हैं, जैसे आगे फैट टायर, पीछे फैट टायर, आगे डबल डिस्क, हर चीज मैटर करती है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका टोटल ऑन रोड प्राइस अराउंड 14.5 लाख के करीब आपको पड़ता है। काफी ज्यादा एक्सेसरीज के ऑप्शन इसमें, स्टाइलिंग किट इसमें आपकी विंडशील्ड से लेकर इसके फुट बोर्ड से लेकर एलईडी इंडिकेटर, साइड नंबर प्लेट, ब्रैकेट, बहुत सारी इसकी एक्सेसरीज अवेलेबल है जो इसको वैसे ही ये देखने में बहुत बेहतरीन है। हाँ। इसको और ज्यादा इसकी स्टाइलिंग किट लगाने से और ज्यादा बेहतरीन दिख सकती है भाई। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मोटरसाइकिल। नाउ ये है टाइगर 1200 GT प्रो, 1160 सीसी का इंजन, विच इज वेरी क्लोज टू वन ऑफ आवर फेवरेट टाटा कार, टाटा एल्ट्रोस आइटर। वो रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल बात यह है कि ये 1.2 लीटर इंजन 148 ब्रेक हॉर्स पावर डेवलप करता है, विच इज वे हायर देन द टाटा एल्ट्रोस, एंड समवट अराउंड 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। 9000 आरपीएम्स तक आप इसको इजीली रेव कर सकते हो और वहां पे भी ये आपको पावर डेवलप करके देगा। देन TFT डिजिटल राइडर्स डिस्प्ले, सिंगल हैंडेडली एडजस्टेबल विंड स्क्रीन, हाइड्रोलिक क्लच ताकि आपके जो गियर चेंजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड क्रिस्प हों, एंड बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर। However, bike थोड़ी सी हैवी डेफिनेटली होगी। And now let's ask Sahil bhai for the extra details. 2-3 महीने पहले ही इसका लॉन्च हुआ है, इतने सारे फीचर्स हैं इसमें। बहुत गौर करने वाली चीज है, इस बाइक के अंदर आपको साइड माउंटेड रेडिएटर मिलते हैं, तो वो हीट की एंटिसिपेशन इस हिसाब से इसका डिजाइन दिया गया है कि वो साइड से ही हीट रिलीज हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। दूसरी चीज अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएं तो इसमें एक टी प्लेन क्रैंक इंजन इन्होंने दिया है, जिससे एक बाइक को बेटर स्टेबिलिटी, बेटर पावर आपको मिलती है। ऊपर से इस बाइक के अंदर आपको शाफ्ट दिया जाता है, ना कोई चेन का झंझट, ना कोई बेल्ट का, आपको एक जीरो मेंटेनेंस वाली बाइक जो है आपको प्रोवाइड हो रही है शाफ्ट के साथ। अच्छी खासी बेहतरीन 150 हॉर्स पावर की जो है आपको इंजन इसमें मिल रही है, 130 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और इसके बारे में जितनी बातें करें, मैं वही कह रहा था पहले भी शुरू में वीडियो के कि वीडियो खत्म नहीं होगी। दिस बाइक डिजर्व्स अ डेडिकेटेड वीडियो, एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम दोनों को दोबारा से इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो करनी चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और वहां पे जाके यस लिखो। और साथ में एक बात और, आपने बोला रिसेंटली बाइक लॉन्च हुई थी, ट्राइम्फ ने हमें इनवाइट नहीं दिया था, एंड इफ यू वॉन्ट कि रोलिंग पिस्टन्स इज ऑल्सो इन्वाइटेड इन द फ्यूचर लॉन्चेस फ्रॉम द ट्रायम्फ, जाओ जाके नीचे लिखो कॉल, ओके। और अगर हम 1200 के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएं तो 1200 के अंदर हमारे इस टाइम पे 4 मॉडल अवेलेबल हैं जो आपको ऑन ऑर्डर ही आते हैं, बिकॉज ये CVU बाइक है, ये बाइक स्पेशली ऑर्डर पे ही आती है, या फिर यहाँ आके आप डेमो भी ले सकते हैं। यहाँ आके आप इसका डेमो भी ले सकते हैं, हमारे पास में इसका डेमो बाइक भी अवेलेबल है। नाउ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइसेस। तो अगर मेरे प्राइस की मैं बात करूं तो 1200 के अंदर मेरा बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आता है, जो मेरा 22 लाख रुपए से स्टार्ट होता है ऑन रोड, और 24 लाख के करीब मेरा जो है वो जाता है प्राइस ऑन रोड, जो कि रैली में आ जाता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बाइक, ये है स्क्रैम्बलर हमारी 900। इसको हम मिनी टाइगर कहें तो गलत नहीं होगा। अब इसको स्क्रैम्बलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये स्क्रैम्बलर डिजाइन में आ जाती है। तो स्क्रैम्बलर की खासियत क्या है, इसका 2:1 एग्जॉस्ट सिस्टम। ये एक ऑफ रोडिंग कम क्रूजर बाइक आप कह सकते हैं, बिकॉज ये अगेन ये भी एक हार्ड गोर बैड रोड ट्रेल्स के लिए ये मोटरसाइकिल दी गई है। इसमें बेहतरीन स्पोक्स के साथ लॉन्गर ट्रेवल सस्पेंशन, साइड माउंटेड एग्जॉस्ट सस्पेंशन इस तरह की दी गई है कि आप इससे आराम से इससे अच्छा खासा 300-400 किलोमीटर की राइड, बेहतरीन कन्वीनियंट राइड और ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल स्पीड ट्विन हमारा जो 900 आता है, इसमें वही वाला इंजन दिया गया है। इसमें 900 सीसी का इंजन जिसमें कि 80 न्यूटन मीटर टॉर्क
और 65 BHP अच्छी खासी पावर इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। अगेन ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ इसकी एक और खासियत है, इसका जो हैंडल बार है वो भी टाइगर वाला ही दिया हुआ है, तो इसका कंफर्ट आपको पूरा मिलेगा। इसमें 300-400 किलोमीटर की राइड आराम से बिना थके आप इसमें कर सकते हैं। 12 लीटर का शानदार फ्यूल टैंक है जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अगेन अप टू 20 किलोमीटर आराम से आपको दे देगी, आराम से आपको बिल्कुल। इसका प्राइस अराउंड 11.5 लाख रुपए के करीब है। लोगों को इसका शायद यकीन ना हो बट मेरा सबसे ज्यादा जो बाइक बिकने वाला है आज की डेट में वो है रॉकेट। तो अब इसी की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये खुद में एक स्टोरी है। 2500 cc इंजन, एक SUV गाड़ी वाला इंजन आपको मोटरसाइकिल के अंदर दिया जा रहा है। आपको पावर के बारे में बात करें तो 221 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 166 BHP का इंजन, इसको मसल क्रूजर भी कह सकते हैं। और एक ट्राइम्फ बाइक में आपको एक चीज जरूर मिलेगी, वो है रिफाइनमेंट एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग। रॉकेट के बारे में हम बात करें तो रॉकेट में दो वेरियंट आते हैं बेसिकली। स्पेसिफिकेशन तो दोनों की सेम है लेकिन जो रॉकेट 3R है उसको हम बेसिकली एक रोडस्टर स्टाइलिंग में आ जाता है। और इसमें जो दूसरा मॉडल आता है जो आप लोगों के सामने है वो है GT। तो GT होता है मतलब ग्रैंड टूरिंग के लिए। मेजर जो चेंजेस हैं वो ये हैं, उसमें मिड फुट पैक्स आ जाते हैं, आप उसके ऊपर बैठे हैं तो आपकी लेग स्ट्रेट है। हाउएवर जो GT है उसमें आपको फॉरवर्ड फुट पैक्स मिल जाते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट देते हैं। फिर इसमें जो मेन चीज है वो है आपका पीछे का बैक रेस्ट, जो कि एज एन एक्सेसरी, ये जो मैंने चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो GT में है और जो R में नहीं है वो सब आपको एक्सेसरी ऑप्शन मिल जाती हैं। हाउएवर अगर किसी की जरूरत है सिर्फ R लेने की तो वो R भी ले सकता है, उसमें जो जो एक्सेसरी उसको जरूरतमंद लगती है वो लगा सकता है। फिर इसके साथ आपको जो इसमें डिफरेंस मिलता है वो एक तो इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा ज्यादा, मतलब कहते हैं थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है उसका जो हैंडल बार, उसका हैंडल बार थोड़ा सा कम्पैक्ट, मतलब इन द सेंस क्योंकि वो रोडस्टर है तो उसका थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। उसके अलावा कोई और ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो आपका आगे जो इसका काउल है, फ्रंट काउल, इसमें एक अलग से इसमें विंडस्क्रीन के ऊपर एक काउल दे रखा है क्योंकि उसमें नहीं आता है, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 22 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और 24 लाख रुपए तक इसके जो है ऑन रोड प्राइस ही जाते हैं। एंड सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा हमारे व्यूअर्स को ना एक डाउट रहता है कि मान लीजिए अगर हम अदर स्टेट में, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि लखनऊ में उनकी डीलरशिप नहीं है और उनको यहाँ से बाइक खरीदनी है तो उसका क्या प्रोसेस है? दिल्ली NCR में, UP, आप चाहे कानपुर की बात करें, गोरखपुर की बात करें, UP का कोई भी जो स्टेट सिटी है वो सब हमारे ही टेरिटरी में आता है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, हम पूरा का पूरा एक से एक डॉक्यूमेंटेशन जो आपके RTO में, लोकल RTO में आपको रजिस्टर कराने में बिल्कुल भी हैसल ना हो, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट की फाइल पूरी तैयार करके देंगे बाइक के साथ। टेम्प्रेरी नंबर पे हम आपको बाइक देंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है RTO में, आपके लोकल अथॉरिटीज़ में कुछ भी इशू आता है तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सारी दुविधा दूर करें। EMI एंड फाइनेंसिस का कुछ ऑप्शन आपके? EMI और फाइनेंसिस का इजी ऑप्शन है, हमारे साथ दो बैंक का टाइप है, IDFC और HDFC। फिर भी मैं लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आज की डेट में IDFC बहुत अच्छे फाइनेंस ऑप्शंस देता है, अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स दे रहा है, तो आप आसानी से EMI अराउंड 85% आपको अवेलेबल हो जाता है। आपको किसी भी बाइक पे फाइनेंस कराना है, हम आपका इन हाउस फाइनेंस करा के आपका जो है सारा का सारा आपका प्रोसेस हम लोग हैसल फ्री करा देते हैं। ओके, सो नाउ गाइस, साहिल भाई को थोड़ा काम आ गया है तो वो चले गए हैं, तो बाकी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। ऑलवेज हैपेंस विद मी, रॉयल इनफील्ड में भी हुआ था, देखिए वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक ऊपर घूमता हुआ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो कमिंग बैक टू द पॉनवेल 3120, सो बेसिकली ये भी वही सेम इंजन है जो आपको रोडस्टर में देखने को मिला था, वही सेम पावर है, वही सेम माइलेज है, वही सेम फ्यूल एफिशिएंसी है, सिमिलर कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको इसके स्पीडोमीटर्स में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही टच देखने को मिल जाएगा। एंड ये आपका फ्यूल गेज हो गया, एंड यहाँ पे आप अपनी और अन्य डिटेल्स देख सकते हो। अदर देन दैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका प्राइसेस। सो ऑन रोड प्राइसेस इस बाइक के शुरू होते हैं 12,43,000 रुपये से और जाते हैं 13,31,000 रुपये तक हेयर इन गुड़गांव। एंड बाकी तो आपको डिटेल्स बताइए कि अगर आपको किसी और स्टेट में खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हो। मोर ओवर, जैसा कि ऑलरेडी साहिल भाई ने बोला था कि ट्रायम्फ का कैटलॉग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जितनी हमने आपको शोरूम में दिखा दी है इसके अलावा और भी बहुत सारी बाइक्स हैं जो अभी एग्जिस्ट करती हैं ट्रायम्फ के इंडियन कैटलॉग के अंदर लेकिन यहाँ शोरूम में अवेलेबल नहीं है, तो उनको मैं अब आपको बता देता हूँ। सो स्ट्रीट ट्रिपल 765 cc inline 3-cylinder liquid cooled engine, जो somewhat around 120 brake horsepower and 79 newton meters of torque develop करता है, 17 liters का उसका fuel tank है, and क्योंकि वो एक naked sport street bike है, इसलिए आप ज़्यादा उससे fuel efficiency expect मत करिएगा, but 15-18 वो easily आपको provide कर सकती है, then track, rain, road and sports riding mode आपको उसमें मिलते हैं, then digital speedometer and odometer and analog tachometer, which is one of the best combination for a rider's display, वो आपको उसमें मिलेगा। basically दो variants में आती है, एक R और दूसरा RS, prices
शुरू होते हैं 10,19,000 रुपीज से फॉर द आर वेरिएंट एंड आर एस के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे समवेट अराउंड 12,75,000 रुपए। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ये पावर एंड परफॉर्मेंस कम लग रही है तो आप इसकी बड़ी बहन को भी चूज कर सकते हो, डेट इज स्पीड ट्रिपल आर एस 1200 जिसका रिव्यू हमने चैनल पे ऑलरेडी किया हुआ है, लिंक यहाँ भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। नाउ क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल है इसलिए वो थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टलियर साइड भी है, 20 लाख रुपीज आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे इफ यू वॉन्ट दैट एट योर होम। वही 1160cc इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन लिक्विड कूल्ड, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिफरेंटली ट्यून किया गया है क्योंकि स्पीड ट्रिपल में वो प्रोड्यूस करता है लगभग 180 ब्रेक हॉर्स पावर, लेकिन टॉर्क आपको थोड़ा सा कम मिलेगा एट 123 न्यूटन मीटर्स। देन 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और स्पीडो टैको एंड ऑडोमीटर आर डिजिटल। फ्रंट एंड रियर में ओलिन्स के फुली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम आपको मिलता है, फ्रंट में USD है एंड रियर में मोनोशॉक। देन कम्स योर टाइगर 900, टाइगर 1200 की छोटी बहन, 888cc का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन उसमें आपको मिलेगा, 95 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 87 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क वो डेवलप करता है। ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 15,31,000 रुपए से फॉर द GT मॉडल। देन अगर आपको रैली चाहिए तो आपको 16,05,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। एंड मूविंग ऑन टू द टॉप मॉडल रैली प्रो, जिसके लिए आपको 17,05,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द फीचर्स टाइगर 900 अपनी बिगर सिबलिंग 1200 से बोरो कर चुकी है, लेकिन उसमें आपको कुछ चीजें कम भी मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको शाफ्ट मिलती है, वहां पे आपको चेन ड्राइव मिलेगी। देन रेन रोड ऑफ रोड स्पोर्ट्स एंड राइडर्स कॉन्फिगरेबल राइडिंग मोड्स आपको उसमें भी मिलते हैं अलॉन्ग विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड GoPro कंट्रोल सिस्टम। फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम मिलेगा फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड शोवा। नाउ लेट्स से कि आपको एक 900cc में रेट्रो मोटरसाइकिल चाहिए तो आप ट्रायम्फ की स्पीड ट्विन 900 चूज कर सकते हो। उसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 9,32,000 रुपए से और जाते हैं ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए तक। इस बाइक में आपको एक 900cc पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा एंड वो इंजन दिखने में ऐसा लगता है कि एयर कूल्ड है लेकिन वो लिक्विड कूल्ड है। 65 ब्रेक हॉर्स पावर 18 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है, 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ कपल किया गया है, 12 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है एंड इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोस्त जिनको स्पीड ट्विन पसंद है लेकिन 1200cc वाला झमेला नहीं झेलना है एंड प्राइस भी उतना पे नहीं करना है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द स्पीड ट्विन, जिसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 12,45,000 रुपए से, जिसमें आपको मिलेगा 1200cc का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन, 100 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 112 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 14.5 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है, रेन रोड एंड स्पोर्ट्स राइडिंग मोड्स इसमें आपको मिलेंगे, डिजिटल ऑटो एंड ट्रिप मीटर अलॉन्ग विद एनालॉग स्पीडोमीटर, 43mm USD फ्रंट फोक्स विद 123mm ऑफ ट्रेवल एंड रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स जिनमें आप प्रीलोड सेट कर सकते हो और उनका ट्रेवल भी 120mm का है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू बोनविल T100, जिसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 10,70,000 रुपए से और जाते हैं 11,45,000 रुपए तक। देन कम्स योर टाइगर 850 स्पोर्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम द ट्रायम्फ, 13,40,000 रुपए इसके ऑन रोड प्राइसेस हैं, 888cc का इनलाइन 3 लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा जो 85 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 82 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है, कपल किया गया एक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ और 20 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, सो दैट जब भी आप इस बाइक को राइड करने और इंडिया को एक्सप्लोर करने निकलो तो आपको फ्यूल स्टॉपेजेस कम लेने पड़े। 45mm USD फ्रंट फोक्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बोनविल बॉवर, जिसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 13,50,000 रुपए से और जाते हैं 14,40,000 रुपए तक। एंड फर्दर मोर बोनविल के स्पेक्स एंड स्पेसिफिकेशंस आर वेरी सिमिलर टू द T120, तो उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जस्ट डोंट फॉरगेट टू शो योर लव, लाइक करो वीडियो को जाके, अगर आप लोग यहां पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को राइट नाउ, अच्छी सी कोई बात कमेंट करके जाओ, अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के और वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू गाइस कीप ऑन राइडिंग एंड ड्राइविंग सेफ, पीस।